Hey everyone, today in this video we will try to understand the topic barriers of communication. So what does barriers means? They are the obstacle in the path of effective communication. जब भी हम किसी से communicate करते हैं और जो उसमें रुकावटें आती है जिसके वजह से communication पूरी नहीं हो पाती, उन सब चीज़ों को हम barriers बोलते हैं. There are mainly 5 barriers to an effective communication which are as follows. The first is language barriers. हम language barrier को semantic barrier भी बोल सकते हैं. So, what is language barrier? For an example, अगर आप English में बात कर रहे हो and आप जिससे बात कर रहे हो उसे सिर्फ हिंदी समझ में आती है, तो that will create a barrier in an effective communication. And also, using technical words, using jargons can also create language barrier. So, this all are semantic barrier. Now, let's move on to the second one. इमोशनल barriers, जिसको हम साइकोलॉजिकल barriers भी बोलते हैं. फॉर example, अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुने या फिर आपने कुछ मिस कर दिया, तो that will create a barrier in effective communication. Also, if I am telling you something, if I am sending you an information, और आपका emotional state उस time पे वहाँ पे present नहीं है, आप कहीं और पे आपका ध्यान है, so that will also create a barrier. Now next is organizational barriers. इसका मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है एंड वहाँ पे कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो जाए, तो दैट विल रेफर टू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज, स्टेटस. लाइक कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से आपको मैसेज और मीडियम सेलेक्ट करना होता है, एंड इन्हीं स्ट्रिक्ट रूल्स के वजह से एम्प्लॉयज़ अपने आप को मैसेज सेंड करने से बचाते हैं, तो दैट इज़ अ बैरियर. नाउ पर्सनल बैरियर्स. पर्सनल बैरियर्स रिलेट टू द फैक्टर दैट आर पर्सनल टू द सेंडर एंड रिसीवर एंड विच क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टेज पे जाना है एंड स्पीच देना है, बट वहाँ पे क्या बैरियर क्रिएट होगा? द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ और लैक ऑफ नॉलेज. सो दिस आर द पर्सनल बैरियर्स. नाउ द लास्ट वन इज फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स तब क्रिएट होते हैं जब नॉइज़ हो, बैकग्राउंड नॉइज़ हो, या डिस्टेंस ज़्यादा हो, टाइम कम हो, तो उससे आपके कम्युनिकेशन के फ्लो में बैरियर क्रिएट होंगे. लाइक अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो अगर आप कॉल या फिर वीडियो कॉल करते हो, तो फिर वहाँ पे नेटवर्क की वजह से बैरियर क्रिएट होता है, नेटवर्क स्लो हो जाता है. या फिर अगर आपके बैकग्राउंड में वेदर कंडीशन बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, तो उससे नॉइज़ क्रिएट होते हैं जिसके वजह से आपके कम्युनिकेशन के फ्लो में बैरियर क्रिएट होता है. That was all for today. If you have any query, write it down and please like it, share it, subscribe it. Stay safe, stay healthy, stay connected. Bye-bye.